देखिए नथ जेवरिया जंजीर सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हे महादेव, ये हमारा वादा है आपसे कि हम पति होने की जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ेंगे, महुआ को कभी नहीं छोड़ेंगे, बच्चा होने के बाद भी नहीं। हमें बस अपनी माँ से मिलना है और इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना महादेव। हमने तुम्हें दिल से पति माना, हर कदम पे तुम्हारा साथ देंगे। सज्जन बिटवा, बिटवा पीछे रहे, सांप डस देगा बिटवा। तुम रुको, हम कुछ करते। दादी, बचाओ। हाँ हाँ, बचाते हैं, बचाते हैं। अच्छी देखिए ना, कुछ कीजिए ना। अरे क्या कर रहे हैं ना, सज्जन बिटवा, सज्जन, और पीछे रहे, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे डस देगा बिटवा, हमें हम कुछ करते हैं। तू घबरा मत, हम करते हैं। अरे हमारे बिटू को बचा ले। अच्छा जी, आप पीछे रहिए। रानी बेटा पीछे, पीछे आप पीछे रहिए। अरे बाबू, पापा जी, पापा जी, हमें छोड़िए। नहीं नहीं, छोड़िए हमारा। अरे ना, हम तो जाने चाहते थे। रानी और सचिन की जान बचाना जरूरी है। नहीं छोड़िए, नहीं छोड़िए, हमें साथ में वहाँ हम नहीं जा देंगे। ठीक तो है ना बिटवा? रानी, महुआ, महुआ, छोटी मालकिन, महुआ के खोलो, महुआ, महुआ के खोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। देखिए, आर्यन को तो जल्दी होश आ जाएगा, लेकिन महुआ को होश आने में सुबह हो जाएगी। डॉक्टर, हमारे लिए हमारा बिटवा ज्यादा जरूरी है, वो का बचा लीजिए। महुआ भी तो जरूरी है ना हमारे लिए, वारिस होने तक। समझती नहीं होगा? भैया, जो आप मंगाए थे ना, वो आ गया भैया। देखो भैया, पूरे गांव से लेकर आए, किसी को भी नहीं छोड़ा हमने। अरे शाबाश, बहुत शाबाश। इसमें कहाँ है? अरे वाह, इस बार तो बहुत चढ़ावा आया है, हाँ? बढ़िया है। हाँ भैया, एक तो लौंडा बहुत फुदक रहा था, पैसे ना ही देगा। आपके नाम का थोड़ा बहुकाली चमका है भैया, फिर कादा
रख के दिए दो कंटा, फिर कहा था जितना पैसा था ना जेब में सब निकाल के दे दिया। और भैया ही दे जेवर, भैया उसे घर पे जितने जेवर थे ना सब उठा कर लेकर आए भैया। शाबाश प्रमोद, शाबाश। मतलब ये घूस का पैसा है? घूस नहीं, चढ़ावा कहते हैं इसे, चढ़ावा। पर बाबूजी, एकदम चुप। हमारे हिस्से का पैसा हमें वापस दो। तो तुमरा और हमरा कब से हो गया कोतवाल? अरे हम पत्नी है तुमरी, जो कुछ है वो हमरा है, पर हम पत्नी होने के नाते ना ही पैसा हम रखेंगे और ना तुम्हें रखने देंगे। भैया देख रहे हैं आप क्या हो रहा है घर में, अनर्थ हो रहा है भैया, अनर्थ। जो इतने सालों से नहीं हुआ वो आज हो रहा है। जो हो रहा है होने दो प्रमोद, हम भी देख रहे हैं, तुम भी देखो, और हमारा ये निकम्मा बेटा भी देख रहा है, जिससे उसकी बीवी संभाली नहीं जा रही है। चलते हैं भैया। क्या हुआ ऑफिसर, आप इतनी रात को यहां? मिस्टर आर्यन, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये छोड़िए ये सब। क्या बदतमीजी है ये, हमें कैसे हथकड़ी लगा रहे हो तुम? ए कोतवाल, हिम्मत कैसे की है तुम हमारे लौंडे को हथकड़ी पहनाने की? और नहीं तो क्या? अरे हमारा बेटा जेल कैसे जाएगा, वो तो खुद ही कोतवाल है। हमें खबर मिली है कि आपके घर में घूस का पैसा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और हमारे घर में रेड मारने से पहले आपको हमसे पूछना चाहिए, और कहाँ है घूस का पैसा, वही पता चल जाएगा। है ढूंढो। जी सर। ए दरोगा क्या कर रहा है सब? शांत रहो, आपको भी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर, आप गर्जन जी के घर पर आकर ढूंढिए, घूस का पैसा मिलेगा आपको। मेरी ये चाल आर्यन और महुआ को कुछ समय तक दूर रख देगी, और तब तक मुझे टाइम मिल जाएगा कुछ और प्लान तैयार करने के लिए, जिसके होते महुआ और आर्यन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। देखिए ऑफिस। सर ये देखिए। सुलेखा पकड़ी हुई चोरे। आर्यन मिश्रा, तुम्हें रिश्वत लेते हुए शर्म नहीं आती? तुम और तुम्हारे जैसे लोग इस वर्दी के लिए कलंक हैं। आप हमें अरेस्ट करें। आई एम सॉरी आर्यन, मैं ये नहीं कर सकता। तुम प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से जानते हो, इन दोनों को हमें अरेस्ट करना ही होगा। अरेस्ट करो। नहीं। आज आपको आज और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। चलो। ए, भैया से ऊंची आवाज में बात मत कर। ए, हाथ नहीं लगाना। दूर से चल रहे हैं। महुआ बच के रहना, तुम हिसाब चुकता करने बहुत जल्द लौटेंगे हम। आजा प्रमोद, देखते हैं। चलो चलो, हाथ मत लगा। ऐसे आओ ना, हम है ना, हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, अपना ध्यान रखना। तेरी वजह से हमारे पिटवा और हमारे पति दोनों के दोनों
बाजी ऐसा ना ही कीजिए, महादेव महादेव की सगंध हमें ऐसा ना ही की, हम कंप्लेंट आएंगे। बंद कर अपनी बकवास, तू रहा हमसे नहीं तो हम मार देंगे आज तुझे, हम कह दे हम मार देंगे। प्लीज ऐसा ना ही कीजिए, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। जीजी ये लड़की ना इस घर के मर्दों को जेल भिजवाई है ना, अब हम इका लिए ये घर में ही जेल बनाएंगे। ठीक कह रही है तू सुलेखा, इसे भी तो पता चलना चाहिए कि जेल की हवा कैसी होती है।